वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आज का अपना टॉपिक है एक्सीडेंट स्टडीज़, है ना, जो मतलब ट्रैफिक स्टडीज़, जिसमें ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पॉट स्पीड, स्पीड एंड डिले स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, पार्किंग, एक्सीडेंट, ये इतनी टाइप की स्टडीज़ होती हैं। तो ये स्टडीज़ यूनिट सेकेंड में है जो हम आपको भेज चुके हैं, नोट्स इनके प्रोवाइड भी कर चुके हैं। तो लास्ट स्टडी है जो यूनिट फिफ्थ में अकेला, यही टॉपिक है एक्सीडेंट स्टडीज़, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे लास्ट और यूनिट भी सबसे लास्ट है, यूनिट फिफ्थ में ये यूनिट है एक्सीडेंट स्टडीज़। इसमें पढ़ते हैं अपन एक्सीडेंट स्टडीज़ क्या होती है, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, तो अपन बात करें इसमें अपन जो स्टडी करते हैं टू स्टडी द केसेस ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट के केसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं एंड सजेस्ट करते हैं अपन करेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको सजेस्ट भी करते हैं जो हो सके एट पोटेंशियल लोकेशंस, मतलब जो भी संभवतः लोकेशंस हैं, है ना, उन पे अपन ये सोचते हैं कम से कम एक्सीडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू एवेल्यूएट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन रेगुलेशन एंड कंट्रोल मेजर, इसमें अपन टू एवेल्यूएट, है ना, मतलब इसका अपन मूल्यांकन करना जो प्रॉपर डिज़ाइन है उसके रेगुलेशन है एंड कंट्रोल इनको कैसे करेंगे उनके मेजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू कैरी आउट बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, कैरी आउट मतलब इसका अनुकरण करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज कौन कौन से इम्प्लीमेंटिंग जो अपन को चेंज करने की ज़रूरत है या जो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टू मेक कंप्यूटेशंस ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, है ना, कंप्यूटेशन मतलब अपन को गणना करना है इसकी कि जो कौन कौन से फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं एक्सीडेंट के कारण, तो ये। नेक्स्ट बात टू प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट मेजर सजेस्टेड बाय इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट बात ये होगा इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंट स्टडीज़ का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन केसेस ऑफ एक्सीडेंट, कौन कौन से केसेस होते हैं जिनके कारण एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है या हो जाते हैं। सबसे पहले ड्राइवर्स, यदि मान लो कोई ड्राइवर है एक्सेस स्पीड मतलब बहुत तेज गाड़ी चला रहा है स्पीड में, अगर अपन बात करें रस ड्राइविंग मतलब बहुत जल्दबाजी में ड्राइविंग कर रहा है, या वायलेशन ऑफ रूल्स या रूल्स तोड़ रहा है, है ना, और फेलियर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन मतलब उसने प्रॉपर सिचुएशन को नहीं समझा, है ना, तो ये सब अगर वो करता है फटी, यदि उसको थकान है किसी ड्राइवर को या अल्कोहल लिया हुआ है बहुत ज़्यादा, है ना, ड्रिंक किए हुए है, तो क्या होता है वो केसेस फिर वहाँ पे बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं, पता चला वो रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, या केयरलेसनेस प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैसेंजर्स, पैसेंजर्स की अपन बात करें तो पता चला कि पैसेंजर्स प्रॉपर चल रहे हैं और एकदम से उनका उतर के रोड पे आ जाना वाइल अलाइटिंग फ्रॉम और गेटिंग इनटू व्हीकल्स, एकदम से पता चला उसी समय वाहन निकल रहा है उसी समय उसके सामने आ जाना रोड पे उतर आना, तो ये कारण है पैसेंजर्स के जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करना व्हीकल डिफेक्ट, यदि अपना जो व्हीकल है उसमें पता चला उसके ब्रेक फेल हो गए हैं या स्टेयरिंग फेल हो गई है या लाइटिंग सिस्टम गड़बड़ा गया है, एक टायर फट गया है, कोई डिफेक्ट आ गया, तो जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रोड कंडीशन, ये भी केसेस ऑफ एक्सीडेंट में आता है, रोड की कैसी कंडीशन है ये भी डिपेंड करता है एक्सीडेंट कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, यदि पता चले स्लिपरी है रोड, समझ रहा है ना, ये अपन बात करें चिकना है रोड, ठीक है, स्किडिंग है ना, बहुत ज़्यादा दर्दरा है सरफेस या होल्स हैं उसमें, या अपन बात करें रट्स मतलब गड्ढेदार रोड से है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है साइड में, तो इसके कारण भी एक्सीडेंट अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोड डिज़ाइन, अगर मान लो डिफेक्टिव जियोमेट्रिक डिज़ाइन है प्रॉपर नहीं है, या फिर अपन बात करें इन एडिक्वेट मतलब रोड प्रॉपर नहीं है, साइड डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, समझ रहे हैं आप, या प्रॉपर पर्याप्त नहीं है या विड्थ प्रॉपर नहीं है, तो जिसके कारण भी अपन को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें ट्रैफिक कंडीशंस, अब ट्रैफिक कंडीशंस में देखो व्हीकल मूविंग अहीड, अगर अपन बात करें कि व्हीकल एकदम आगे आ जाए तो पता चला, ठीक है, पहले से या भविष्य में आगे, है ना, या प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ डिसेबल है ना, मतलब असमर्थ हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक कंडीशंस नहीं हैं, है ना, तो जिसके कारण भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वेदर लाइक जैसे पता चला मिस्ट, बहुत ज़्यादा कोहरा है,
है ना, फॉग है और स्नो बर्फ़ गिर रही है, या डस्ट बहुत ज़्यादा धूल है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं, एनिमल्स, ठीक है। वन बात करें स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड, मतलब इधर उधर भटक जाना, पता चला एनिमल्स एकदम से रोड पे आ गए, पता चला है ना, अलग थलग रहते हैं, पता चला निकल के सामने आना, रोड पे आना, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोलिजन डायग्राम। इसमें जो कोलिजन डायग्राम होता है इसमें ड्रॉ नॉट टू स्केल, ए स्केल के माध्यम से ड्रॉ नहीं होता, डिफेक्ट द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट लोकेशन, मतलब ये जो एक्सीडेंट की जो लोकेशंस हैं उनको दर्शाता है ये, है ना, डायग्राम ये एक्सीडेंट के लोकेशंस को दर्शाता है, चित्रित करता है। शोज एप्रोप्रिएट पाथ ऑफ द व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्वमेंट एक्सीडेंट, ये एप्रोप्रिएट पाथ मतलब उचित और उपयुक्त जो मार्ग रहता है ना, उसको शो करता है, एंड जो पैदल चलने वाले जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सीडेंट में उसके लिए भी प्रॉपर दर्शाता है कि इसके कारण नहीं होंगे एक्सीडेंट। शो अदर ऑब्जेक्ट विद विच द व्हीकल्स हैव कोलाइड, है ना, कोलाइडेड, जैसे पता चला ये शो करता है ऑब्जेक्ट, जैसे पता चला किसी की टक्कर लग जाना या भिड़ जाना एक्सीडेंट यात्रियों का गाड़ियों से, तो इन सब के बारे में ये पूरा शो करता है ये डायग्राम कोलिजन, है ना। मोस्ट यूजफुल फॉर बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज़, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है, बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज़ मतलब पहले जो स्टडीज़ होती है प्लानिंग बनाते हैं और आफ्टर स्टडीज दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशन डायग्राम। कंडीशन डायग्राम क्या होता है, ये ड्रॉ टू स्केल, स्केल के माध्यम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपन। सो ऑल इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द रोड एंड एडजॉइनिंग एरिया, मतलब ये पूरे इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स शो करता है इस डायग्राम में, शो होते हैं। एंड एडजॉइनिंग एरिया, एडजॉइनिंग एरिया मतलब सटा हुआ जो लगा हुआ एरिया रहता है आसपास का, वो पूरा शो होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स टू बी शोन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स शो करता है, जैसे विड्थ ऑफ रोड बे शोल्डर्स, मीडियंस, मीडियन मतलब जो मध्यस्थ रेखा होती है रोड की उसको, ठीक है, कर्व किनारा मतलब जो लास्ट सीमा होती है रोड को उसको, तो ये पूरा है ना कंडीशंस ऑब्स्ट्रक्शन है हर एक चीज़ कर्व्स जो है पूरे इसमें क्या डिटेल्स शो हो जाती है। नेक्स्ट बोथ कोलिजन एंड कंडीशन डायग्राम कैन बी कम्बाइंड टुगेदर, है ना, ये कम्बाइंड ही रहते हैं लगभग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सीडेंट रिडक्शन, एक्सीडेंट रिडक्शन मेजर, एक्सीडेंट को अपन कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के हैं इसमें, एक अपन बात करते हैं इंजीनियरिंग मेजर, एक होता है आपका एनफोर्समेंट मेजर, एक होता है एजुकेशनल मेजर। तीन तरीके से मेजरमेंट किया गया है कि एक्सीडेंट में अपन कैसे कमी ला सकते हैं, कैसे रिडक्शन कर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग मेजर में आता है अपने पॉइंट आते हैं, जो चार पॉइंट आते हैं, एक तो रोड डिज़ाइन प्रॉपर, मतलब रोड डिज़ाइन होनी चाहिए, प्रॉपर डिज़ाइन रोड होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मतलब जो व्हीकल है उसको पहले से अपन को प्रॉपर सर्विसिंग करा के या प्रॉपर चेक करके यूज़ करना चाहिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट बात करें बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज़, प्रॉपर स्टडीज़ करना चाहिए, है ना, पहले और बाद में। नेक्स्ट बात करें रोड लाइटिंग, रोड लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे आवागमन में कोई असुविधा ना हो या जो ड्राइवर है उसको प्रॉपर लाइट दिखे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एनफोर्समेंट मेजरमेंट, इसमें आपका आता है स्पीड कंट्रोल प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न होना चाहिए, सभी की ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड प्रॉपर उसका सुपरविज़न होना चाहिए, मेडिकल चेक प्रॉपर सुविधा अवेलेबल रहे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेंस मतलब ये प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसका मेजरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल मेजर, एजुकेशनल मेजर में आता है इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, मतलब स्कूल्स के इंस्ट्रक्शन होने चाहिए प्रॉपर तरीके रोड पे लगे होने चाहिए, पोस्टर एग्जीबिशन, पोस्टर जो दर्शाते एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, प्रदर्शन करने वाले पोस्टर प्रॉपर लगे होने चाहिए कि आगे स्कूल है या आगे गति अवरोधक है, ये सब चीज़ें अपन को प्रॉपर प्रदर्शित होनी चाहिए। नेक्स्ट पब्लिशिंग हाईवे सेफ्टी कोड, हाईवे सेफ्टी कोड भी प्रॉपर पब्लिश होने चाहिए, ऑर्गेनाइज ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, और इसके अलावा इनको ऑर्गेनाइज करने चाहिए ट्रैफिक सेफ्टी प्रोग्राम्स जो भी होते हैं वो पूरे इनको क्या करने चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।